दोस्तों मैं सुंदरपाल सिंह हर हफ्ते तरह इंश्योरेंस डिपू की टीम तो इन्वेस्टमेंट सलाह के हाजिर हाँ। दोस्तों इस हफ्ते इंडियन रुपी के अंदर बहुत वड्डा डाउनफॉल विद इन अ सिंगल डे देखने को मिला। एक दिन के अंदर जो इंडियन रुपी है अगेंस्ट यूएस डॉलर लॉस्ट मोर दैन वन रुपी ऑन अ सिंगल डे, दैट वॉज द बिगेस्ट डिकलाइन इन लास्ट वन डीकेड। और जे असी इस साल की गल करिए पिछले छः महीने के अंदर इंडियन रुपी जो 8% डेप्रीशिएट किया है यूएस डॉलर तो। और बहुत सारे लोग जो इस पर सवाल पूछते हैं जी कि सानू पैसे इंडिया के अंदर की इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, दोस्तों मैं ये दस दिया कि इंडिया तो मोस्टली जो फॉरन इंस्टीट्यूशन है अपने पैसे बाहर कढ़े ने पिछले छे महीने के अंदर। मोर दैन $1 बिलियन के फॉरन इंस्टीट्यूशन ने जोड़े है अपने बॉन्ड यानी इंडियन बॉन्ड जोड़े है वो बेचे है और अपनी करंसी जी बाहर लैके गए हैं। और आने वाले टाइम भी इंडियन रुपी इस तरह लगता है कि होर ज़्यादा डेप्रीशिएट होएगा। जे असी इतों की मार्केट की गल करिए मार्केट के अंदर इस हफ्ते ट्यूजडे को बहुत वड्डा सैल ऑफ देखने को मिले, स्पैशली TSX के अंदर और डाउ जोन्स के, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट। क्यों? क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक ने मना कर दिता कि जोड़े उस स्टिमुलस पैकेज प्लान लैके आ रहे थे उन्होंने होर वधाएंगे, यानी उन्होंने जारी तो रखेंगे लेकिन इसमें होर वधाएंगे नहीं। और जिस पैकेज प्लान की गल करिए जो US का पैकेज प्लान भी है उस बारे भी एनलिस्ट को यह अंदेशा है हो सकता है US भी जोड़ा है ब्रेक्स लगाए, जोड़ा कि उन्होंने पैकेज प्लान दिता हुआ है, यानी कि हर महीने वो $85 बिलियन के जोड़े अपने बॉन्ड्स बायबैक करते, हो सकता है उस चीज़ को घटा दिता जाए। इस करके तुसी मार्केट के अंदर जोड़ा है सैल ऑफ देखने को मिले। दोस्तों फीयर एंड ग्रीड ये दो चीज़ा जोड़िया मार्केट को ड्राइव कर दें, और कई लोगों लिए अच्छी ऑपरचुनिटी भी है टू गैट बैक इन टू द मार्केट। इस बारे कोई सलाह लेनी है जां लाइफ इंश्योरेंस बारे कोई सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जोड़ा है वो 30% चीपर किया परमानेंट इंश्योरेंस लिए इस जून के महीने तो, वो बारे कोई जानकारी लेनी है तो इस प्रोग्राम तो बाद मेरा नंबर लैके कॉल कर सकते हैं।